नमस्कार, स्वागत है आपका फंकी फैक्ट्स में। मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसमें लोगों को अपना ख्याल रखना और खुद पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ब्लड शुगर के लेवल पर निगरानी रखना आसान हो जाता है। आपको पता ही है कि ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना और घटना दोनों ही खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं बेहतर मैनेजमेंट और कंट्रोल के जरिए जटिलताएं कम की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों को जिससे आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं। नंबर वन, मधुमेह रोगियों को अपने खान पान को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप हेल्दी भोजन का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो यह ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके लिए आप 2 से 3 घंटे के अंतराल में कुछ थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे नूडल्स, सफ़ेद चावल, ब्रेड खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाते हैं। अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा को जरूर बढ़ाएं। प्रोटीन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर टू, अध्ययनों से साबित हो चुका है कि नियमित 40 मिनट का व्यायाम ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखता है। अपने व्यायाम के शेड्यूल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी शामिल करें। इससे बीटा सेल्स इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। हालांकि व्यायाम करने से पहले और बाद में अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच अवश्य करें। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा या कम हो तो ब्रेक लें। नंबर थ्री, मधुमेह के रोगी ऐसे जो दवाई खाते हैं उन्हें भूल से भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से रोगी कई स्वास्थ्य परेशानियों से घिर सकते हैं। ऐसे में लिस्ट बनाकर अपने साथ रखें कि कौन सी दवा का सेवन कब करना है एवं नियमित समय पर ही दवा का सेवन करें। नंबर फोर, मधुमेह रोगियों के लिए मोटापा किसी अभिशाप से कम नहीं। यह कई जटिलताओं को बढ़ाता है। इससे मधुमेह संबंधी कई रोगों का खतरा हो सकता है, अतः वजन का नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर फाइव, मधुमेह रोगी को ग्लूकोमीटर इस्तेमाल की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के अंतराल पर अपने ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच कर चार्ट बनाकर रखने पर मधुमेह संतुलन में मदद मिलती है। इस बात का ध्यान रखें कि साल में 2 बार या फिर हर 3 महीने में 1 बार हीमोग्लोबिन A1C HbA1c जांच भी करा लेनी चाहिए। नंबर सिक्स, सैचुरेटेड और ट्रांसफैट वाले आहार से मधुमेह रोगी को दूरी बनाए रखना अति आवश्यक होता है। ये तत्व शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को बढ़ाते हैं। ऐसा करने से आप अपने हृदय के स्वास्थ्य को संभाल कर रख सकते हैं। नंबर सेवन, नींद की कमी से शरीर का बायोलॉजिकल चक्र प्रभावित होता है। इससे इंसुलिन का उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए निश्चित समय पर सोएं व निश्चित समय पर उठें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अतः इन उपायों को अपनाकर अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें एवं जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, YouTube के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ फंकी फैक्ट्स में।